मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जिस टॉपिक के संबंध में बात करने वाले हैं वह है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल के हमने लेक्चर में विद्युत ऋणात्मकता के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात की थी, और उसका आवर्त सारणी में किस तरह से उनमें परिवर्तन होता है इस संबंध में कल हमने सब बातें की थी। आप आशा है आप सबको याद होंगी। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और विद्युत ऋणात्मकता का रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव क्या होता है उसके संबंध में अपन बात करते हैं। देखिए, दो तत्वों के मध्य यदि विद्युत ऋणात्मकता के मानों में अंतर जो है वो हमें पता हो तो उस आधार पर हम उसके बंध की प्रकृति जो है उसके बारे में बता सकते हैं। ये आपके सामने एक चित्र में एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता के अंतर और प्रतिशत आयनिक गुण के मध्य जो है एक कर्व जो है वक्र जो है वो खींचा हुआ है। तो इसमें जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और एक्स एक्सिस पर जो है वो प्रतिशत आयनिक गुण जो है उनको या प्रतिशत सहसंयोजक गुण उनको हमने लिया है। तो एक बीच का मिड पॉइंट है 50% जो है वो जो जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को क्रॉस करता है वो है 1.7 वैल्यू। यानी कि जब भी दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान 1.7 या इससे अधिक होता है तो वह यौगिक जो होता है वो आयनिक गुण जो है वो दर्शाता है, और जब इससे कम होता है तो वो जो है सहसंयोजक यौगिक जो है सहसंयोजक गुण जो है वो दर्शाता है। आइए अपन देखते हैं किस तरह से दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर यदि 1.7 हो तो उस अणु में 50% आयनिक गुण होंगे। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इससे अधिक होने पर अणु आयनिक यौगिक की भांति व्यवहार दर्शाएगा, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 यानी 1.7 से कम होने पर वो जो अणु है वो सहसंयोजक यौगिक की भांति व्यवहार करेगा या दर्शाएगा। NaCl में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वो 2.1 है, जिसमें सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.9 होती है और क्लोरीन की 3 होती है। तो इसलिए NaCl यौगिक जो है वो क्या है, वो एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वो 1.7 से ज़्यादा होता है। जबकि लीथियम आयोडाइड की हम बात करें तो लीथियम की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान 1 होता है और आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.1 होता है। तो इस विद्युत ऋणात्मकता के अंतर को अगर अपन देखें तो ये 1.1 के पास आता है। तो इसलिए जो है लिथियम आयोडाइड जो है वो एक सहसंयोजी अणु है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की बात है कि प्रतिशत आयनिक गुण जो है उसको अगर हम क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर काई ए जो है वो ए की विद्युत ऋणात्मकता है और काई बी जो है वो बी की विद्युत बी जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता है, और प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में इस सूत्र का उपयोग करके हम विद्युत ऋणात्मकता जो है के आधार पर हम प्रतिशत आयनिक गुण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में है दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उनकी बंध लंबाई को भी प्रभावित करता है। जिस परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अधिक अंतर होता है इनकी बंध दूरी दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग से कम होती है। देखिए, हम जानते हैं कि अगर दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वो ज़्यादा है तो उसमें आयनिक गुण होंगे। तो आयनिक गुण होने का मतलब क्या है कि उसकी जो बंध लंबाई है वो उनकी सहसंयोजक त्रिज्याओं से कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसकी जो सहसंयोजक त्रिज्याएं हैं उसके आधार पर हम उसकी बॉन्ड लेंथ को सही सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर है दो तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से हम उस बंध की ध्रुवणता को ज्ञात किया जा सकता है।
जिसकी सहायता से यौगिक की कई भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करना संभव है। यदि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता हो तो हम उसमें पोलैरिटी निकाल सकते हैं और उस पोलैरिटी के आधार पर बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंपाउंड की बताई जाती हैं। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत सारे केमिकल बिहेवियर को जो है वो इफेक्ट करता है। फिर है विद्युत ऋणात्मकता और जल अपघटन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो किसी यौगिक का जल अपघटन कैसे होगा उसको निर्धारित करता है। विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के आधार पर जो है वो अणुओं की ध्रुवणता की दिशा में अंतर आ जाता है, जिससे उनके जल अपघटन उत्पाद भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं जैसे ऑक्सीजन डाइक्लोराइड OCl2 है, इसका जब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, HOCl बनेगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो ध्रुवणता है, जो मुख्य अणु की हम बात कर रहे हैं OCl2 की, वो इस प्रकार से होती है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्लोरीन से अधिक होती है, इसलिए जो ये बंध है ऑक्सीजन और क्लोरीन का, इसकी ध्रुवणता में ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आता है, पार्शल माइनस चार्ज आता है, और क्लोरीन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो इसी प्रकार से होगा, तो इसलिए जो उत्पाद है वो हाइपोक्लोरस अम्ल जो है इसमें बनते हैं। जबकि बोरोन ट्राइक्लोराइड की अगर अपन बात करें, उसमें बोरोन और क्लोरीन के अणु में बोरोन और क्लोरीन के परमाणु में क्लोरीन जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो क्लोरीन जो है वो उस पर माइनस चार्ज आएगा और बोरोन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जब जल अपघटन होगा तो बोरिक एसिड बनेगा, यानी BOH³ बनेगा और HCl बनेगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है बोरिक अम्ल जो है वो अलग उत्पाद है, जो कि हम इसके मतलब BCl3 और OCl2 के जो कंपोजिशन है उसके आधार पर अगर अपन देखें तो हम दोनों में एक जैसे उत्पाद जो है उसकी संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में उत्पाद अलग अलग बनता है। इसका कारण जो है वो उनके मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। प्रथम अभिक्रिया में Cl का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन द्वारा होता है, जबकि द्वितीय अभिक्रिया में यानी बोरोन ट्राइक्लोराइड में क्लोरीन का प्रतिस्थापन जो है वो OH के द्वारा होता है। इसके बाद अगला गुण जो है वो है विद्युत ऋणात्मकता एवं अणुसूत्र, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी द्विअंगी यौगिक का अणुसूत्र लिखते समय, यानी जो है द्विअंगी जिसको अपन कहते हैं बाई कंपोनेंट जिसमें है, उस कंपाउंड का जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो उस लिखते समय पहले उस तत्व का प्रतीक लिखा जाता है जो कम ऋण विद्युती होता है। मतलब हम पहले उस एलिमेंट का जो जिसको अपन कहते हैं सिंबल को लिखेंगे जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। अतः क्लोरीन व फ्लोरीन के बने यौगिक का अणुसूत्र ClF होता है, तो क्लोरीन व आयोडीन के द्विअंगी यौगिक का सूत्र ICl होता है, क्योंकि यहां पर पहले के अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन में जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो कम है फ्लोरीन से, इसलिए ये जो द्विअंगी यौगिक जो बना वो उसमें क्लोरीन का जो है वो सिंबल पहले हमने लिखा। इसी तरह से आयोडीन और क्लोरीन में आयोडीन जो है उसका विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है, इसलिए उसके सिंबल को हमने पहले लिखा। इसी प्रकार फ्लोरीन व ऑक्सीजन के यौगिक को ऑक्सीजन फ्लोराइड कहेंगे तथा उसका सूत्र OF2 लिखेंगे, जबकि क्लोरीन व ऑक्सीजन के यौगिक को क्लोरीन ऑक्साइड कहेंगे और इसका सूत्र Cl2O लिखेंगे। तो हम चाहे हम उसका सूत्र लिखें चाहे उसका नाम दें, उन दोनों स्थितियों में जो पहले जो है हम उसकी बात करते हैं जो कम ऋण विद्युती होता है। फिर है विद्युत ऋणात्मकता एवं बंद कोण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो एक प्रकार का गुण है जो हमें इन अणुओं में देखने में मिलता है। अणुओं के बंद कोण भी
विद्युत ऋणात्मकता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड एंगल हैं वो बहुत इफेक्टेड होते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण स्वरूप अमोनिया NF3H2O OF2 के बंद कोण जो है वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे अमोनिया का जो बंद कोण है वो है 107.3 डिग्री, NF3 का है 102.4 डिग्री, वाटर का है 104.145 डिग्री, OF2 का है 101.5 डिग्री। तो देखिए क्या है, यहाँ पर अमोनिया की तुलना में NF3 का बंद कोण कम है, इसी प्रकार H2O की तुलना में OF2 का बंद कोण जो है वो कम है। ये दोनों अपन देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता तो कम है, किंतु फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों से अधिक है। इसलिए क्या होता है, अतः NF3 व OF2 में बंद इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ होंगे, फलस्वरूप बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा और क्रमशः लोन पेयर बॉन्ड पेयर व लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं NH3 और NF3 में जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो नाइट्रोजन से अधिक है, तो इसलिए इनके बीच में जो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन की तरफ जब शिफ्ट होगा तो उस बंधी युग्म के बीच का जो प्रतिकर्षण है, क्योंकि वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो NF3 में जो है वो कम हो गया, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन जो है वो इसमें बढ़ जाता है। इसी तरह से हम H2O और OF2 की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो ऑक्सीजन से अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच का जो बंध है वो फ्लोरीन की तरफ थोड़ा विस्तारित हो जाता है, मतलब जिसको अपन कहें शिफ्ट हो जाता है। तो उसके शिफ्ट होने से क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो OF2 में कम हो जाता है और उसके स्थान पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन जो है, प्रतिकर्षण जो है वो अधिक होता है। तो इसलिए OF2 का जो बॉन्ड एंगल है उसका मान जो है H2O से कम हो जाता है। तो ये उसके लिए, उसके बंद के कम, बॉन्ड एंगल के कम होने के लिए ये उसके कारण है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, फलस्वरूप बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम हो जाएगा और क्रमशः लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन फ्लोरीन का जो बंद कोण है वो घट जाएगा। तो F2O का बंद कोण जो है वो Cl2O की तुलना में भी कम होता है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से भी कम होती है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है। देखिए अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू Cl से ज़्यादा है। तो OF2 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 101.5 है और Cl2O के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है। मतलब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ऑक्सीजन से कम है। फलस्वरूप F2O में बंधी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, है ना, जिससे उनके बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण बल कम हो जाएंगे और लोन पेयर प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाता है और बंद कोण का मान घटकर 101.5 डिग्री रह जाता है। यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि OCl के मध्य जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस कारण से OF2 के अंदर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम हो गया, लेकिन Cl2O में बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो हम क्या देखते हैं कि उसका बॉन्ड एंगल जो है वो 110 डिग्री का रह जाता है। इसके विपरीत Cl2O में ClO के बंद युग्म ऑक्सीजन के इतना निकट हो जाते हैं कि बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाता है और बंद कोण बढ़कर जो है वो 110 डिग्री हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता के कारण बंद कोण में निम्न परिवर्तन को
फॉस्फोरस हैलाइड्स में भी देखा जा सकता है। अब देखिए, हम फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात करेंगे तो यहाँ PF3, PCl3, PBr3 और PI3 के बंद कोण को दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो PI3 में होता है और सबसे कम जो होता है वो PF3 में होता है, जबकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है अगर अपन देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि फॉस्फोरस और हैलोजन के बीच का बंद जो है, जो बना हुआ है, उसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जिस एटम की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक है उतना ही उस तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। तो PF3 की तरफ जो है जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो PF3 में कम हो जाएगा। इसके कारण से क्या है, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। जबकि PI3 की हम बात करें तो फॉस्फोरस और आयोडीन का के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 105 डिग्री इसलिए है क्योंकि फॉस्फोरस और आयोडीन के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, वो फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो कम है, इसलिए वो फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट होगा। और वो फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट होने से जो है मतलब आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो फॉस्फोरस से तो ज़्यादा है लेकिन फ्लोरीन से कम है, इसलिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी शिफ्टिंग जो है वो फॉस्फोरस की तरफ होगी और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण जो है वो अधिक होने से इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो अधिक हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर के संबंध में। इस विद्युत ऋणात्मकता के टॉपिक में जो सामान्य रूप से प्रश्न आते हैं उनके बारे में अपन एक दो प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि उदाहरण सहित समझाइए कि विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर द्विअंगी यौगिक यानी कि बाइनरी कंपाउंड जो है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि अभी अपन ने बात की ही थी उस बारे में कि किसी भी द्विअंगी यौगिक के सूत्र को लिखते समय कम विद्युत ऋणात्मकता ऋणता वाले तत्व के प्रतीक चिन्ह को पहले लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप क्लोरीन एवं फ्लोरीन के बने यौगिक का अणुसूत्र जो है वो CLF होता है क्योंकि क्लोरीन व फ्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है कम जो है, क्लोरीन जो है वो कम ऋण विद्युती होता है। इसी प्रकार क्लोरीन व आयोडीन के द्विअंगी यौगिक का सूत्र जो है वो ICl होता है क्योंकि आयोडीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से कम होती है। तो ये जो बहुत सामान्य बात है जिसके बारे में भी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। इसी तरह से हम और प्रश्न लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता व इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में हमने जब इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात की थी तब वहाँ पर भी हमने इस संबंध में चर्चा की थी, लेकिन जो बात है वो हमें बार बार जिसको दोहराने से हमें अच्छी तरह याद होती है तो इसको हम एक बार वापस याद करते हैं कि किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमाणु का यह गुण अणु में किसी अन्य परमाणु के सापेक्ष परिलक्षित होता है, मतलब ये जो है ये एक रिलेटिव वैल्यू है जो कि मॉलिक्यूल में किसी अन्य परमाणु के सापेक्ष होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है किसी विलगित गैसियस परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा है, यानी कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा की मात्रा जो है वो कहलाएगी विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह गुण जो है तत्व के परमाणु में ही निरपेक्ष स्थिति में परिलक्षित होता है, जैसा अभी हमने ऊपर बात की कि ये किसी के सापेक्ष परिलक्षित नहीं होता, ये निरपेक्ष स्थिति में ही ये हर परमाणु के लिए जो है वो परिलक्षित होता है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता में और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर है। अगला प्रश्न जो है वह है विद्युत ऋणात्मकता से प्रतिशत आयनिक गुण किस प्रकार निकाला जाता है। सोडियम फ्लोराइड के प्रतिशत आयनिक गुण कितने होंगे, गुण कितना होगा यदि सोडियम व फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः 0.9 और 4 है, गणना कीजिए। तो अभी हमने इसके बारे में भी बात की थी कि यदि किसी यौगिक की के बंधी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 है तो उसमें 50% आयनिक गुण होते हैं और विद्युत ऋणात्मकता अंतर से प्रतिशत आयनिक गुण को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वो सूत्र हमने देखा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी
प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। और यहाँ काई ए जो है वो सोडियम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है जो कि 0.9 है, और काई बी जो है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है जो कि 4 है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 83%, यानी कि सोडियम फ्लोराइड में जो आयनिक गुण है, प्रतिशत आयनिक गुण है, वो 83.23% है, जो कि हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अब तक बात कर चुके हैं हम। सबसे पहले हमने बात की थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर आज हमने बात किया इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के संबंध में। इसके बाद में हम अगले जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है उसकी बारे में बात करेंगे, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई के बारे में, सहसंयोजक एवं आयनिक त्रिज्या। सभी को नमस्कार।